गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। प्लस वन केमिस्ट्री यूनिट फोर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस जो टॉपिक आज हमने चूज किया है, इसके अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड देन व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, एंड फाइनली हम इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो पूरा वीडियो देखें तभी आपको अंडरस्टैंड होगा ये टॉपिक। कोई भी वीडियो कंप्लीट देखा करें, कुछ ना कुछ आपको जरूर वहां से अंडरस्टैंड होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने को आ सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी आपको आ सकता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेजोनेंस। सो कीप वॉचिंग। रेजोनेंस क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हेजनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने आगे लाया था। हेजनबर्ग, आपने नाम सुना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने डिस्कस किया था। तो हेजनबर्ग कुछ एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस फिनोमिना को लाए थे। तो रेजोनेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं होप करता हूं कि आपको लुईस सिंबल्स या लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आते हैं। लुईस स्ट्रक्चर्स एक्चुअली होता क्या है, जो लुईस स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करते हैं, कई बार वो स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल के लिए उसको ड्रॉ किया जा रहा है, वो सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए, उन पैरामीटर्स को, उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही हम वेरियस टाइप्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जिससे कि वो मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। सो एक एग्जाम्पल लेके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओजोन मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ओजोन O3 फॉर्मूला होता है इसका, पता है आपको। ओजोन मॉलिक्यूल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लुईस सिंबल यहां पे बनाने जा रहे हैं। ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। इस तरह से हमने 3 ऑक्सीजन एटम्स ले लिए। अब एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ये हम ऑलरेडी इसकी कॉन्फ़िगरेशन से जानते हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम ऑक्सीजन के अराउंड लिख देंगे। यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया। अब हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर शेयर करेगा तो सेंटर वाले ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कवर हो जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट इस तरह से कवर कर लिया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, तो ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे ओजोन में एक और ऑक्सीजन का एटम है, और यहाँ पे ये जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है इसका भी अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो ये वाला ऑक्सीजन है ये अपना पेयर इसको डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो ये इस तरह से हर एक ऑक्सीजन यहाँ पे अपना ऑक्टेट इस तरह से कवर कर लेता है। तो इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं अभी, कि ऑक्सीजन ये वाला लिख दिया हमने ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक पेयर रहता है, बाकी सारे बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे ये एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इस तरह से शो करेंगे हम। और इस तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एक पेयर यहाँ से डोनेट हुआ इसका ऑक्टेट कवर करने के लिए। तो इसके पास भी 8 हो गए, ऊपर भी 8 हो गए, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 6 हो गया, और 2 ये जो बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, इसमें इन्वॉल्व है, तो ये 8 हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना अभी इस ओजोन के स्ट्रक्चर में, जिसको हमने लुईस सिंबल बोला, लुईस सिंबल आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं, डॉट लगा के भी और बॉन्ड और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल तैयार हुआ, इस सिंबल में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स हमें मिलती हैं।
एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है ये वाला, और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ये वाला। तो जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर एक्सपेरिमेंटली पता चली, और जो सिंगल सॉरी दिस इज सिंगल, और जो डबल वाला बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे 148 फॉर द ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड 121 फॉर द ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। दो तरह की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होनी चाहिए ओजोन के मॉलिक्यूल में। इस तरह से अगर हम ओजोन का स्ट्रक्चर जो लुइस ने दिया उसको लें तो हम दो तरह की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल, और दोनों ही अनइक्वल हैं, 148 एंड 121 बराबर नहीं है दोनों मींस। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि ओजोन के मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं और वो है 128 पिकोमीटर। तो दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आती हैं 128। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर हमने लुइस स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किया वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ओजोन के लिए, क्योंकि ओजोन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है बॉन्ड लेंथ के केस में वो 128 है, जबकि लुइस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड अलग दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड अलग दिखा रहा है, जिनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, अनइक्वल है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं ये कि डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड है 148 पिकोमीटर, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरफ सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, इस तरफ डबल बॉन्ड ले लेंगे, मींस वो कहीं भी हो सकता है, ऑक्टेट का ऊपर करना है हमने लुईस सिंबल में इस तरह से। तो यहाँ पे 121 हो गया अब पिकोमीटर और यहाँ पे 148 पिकोमीटर ये। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो बॉन्ड लेंथ आ रही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, वो एक जैसी आ रही है 128। तो दैट मींस कि यहाँ पे हम एक नया स्ट्रक्चर इसके लिए बना रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें हम जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो सिंगल बॉन्ड ही लेते हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मींस जो दूसरा बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम इस तरह से मूव करते हुए शो करते हैं विद लोन पेयर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लेके चलते हैं 128 जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि 128 पिकोमीटर ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली पता चली, तो वो हमने इस तरह से शो करनी है। इस स्ट्रक्चर को हम मिला जुला स्ट्रक्चर बोलते हैं, मिक्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स का जितने भी किसी मॉलिक्यूल के लिए होते हैं। यहाँ ओजोन है इसके लिए दो ही हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो ओजोन के हमने पहले ड्रॉ किए, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इस ओजोन मॉलिक्यूल की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉपर्टी को, जिसको ये तीसरा स्ट्रक्चर जो लास्ट में हमने बनाया ये एक्सप्लेन करता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर द ओजोन मॉलिक्यूल। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दो स्ट्रक्चर्स का, जो दो स्ट्रक्चर्स हमने ऊपर लुइस के अभी आपको शो किए। व्हाट इज रेजोनेंस? तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन अब हम रेजोनेंस की दे रहे हैं। रेजोनेंस क्या होता है? व्हेन ए मॉलिक्यूल कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। एक बार फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन ए सिंगल यहाँ पे स्ट्रक्चर किसी भी, जैसे आपने लुइस स्ट्रक्चर बनाया किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम ड्रॉ करते हैं, और वो उस मॉलिक्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम टू या मोर देन टू, मतलब दो बनाएंगे, दो से अधिक बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, जो भी जितने भी हमने उसके लिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। जैसे ओजोन के लिए ऊपर हमने दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर्स था वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस
हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे ये एक, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इन दोनों का मिला जुला स्ट्रक्चर ये वाला है जिसको हमने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलना है। इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंडीशंस, कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते बार। फर्स्ट कंडीशन होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन। सेकंड, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड कंडीशन होगी, सेम एनर्जी, नियरली सेम ले सकते हैं आप, मतलब जो स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हैं उनकी एनर्जी सेम रहनी चाहिए। और फोर्थ जो कंडीशन है, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। लास्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन क्या होगी, द लाइक चार्जेस शुड नॉट रिजाइड ऑन एडजेसेंट एटम्स। लेट अस डिस्कस ऑल दीज फाइव पॉइंट्स विद एग्जांपल फॉर ए मॉलिक्यूल। CO2 का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, तो इसके लिए लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें, एक इस तरफ ले लेते हैं एक इस तरफ ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको ये पता ना चले तो आप अलग से लुईस सिंबल्स के ऊपर वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग होती है उसको हम बॉन्ड पेयर से शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिससे कि हर एक का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट रूल भी आपने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये एक पहला स्ट्रक्चर है। जब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हुआ। अब इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है हमने। जो सेकेंड स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है तो देखिए पहली कंडीशन क्या थी, यहाँ पे हमने कंडीशंस आपको बताई थी कि जो फर्स्ट कंडीशन है सेम एटॉमिक पोजीशन, कि दूसरा जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे एटॉमिक पोजीशन सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक पोजीशन हम सेम रखते हैं, जहाँ ऑक्सीजन है वहीं पे हमने ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को बिल्कुल वैसे ही प्लेस करना है जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में प्लेस किया। तो ये हो गया, पहली कंडीशन हो गई। देखो अब दूसरी कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दूसरी कंडीशन में। तो दूसरी सेम नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले स्ट्रक्चर में है, कितने पेयर हैं, 1, 2, 3, 4। तो मैं बता देता हूं आपको, एक ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा ये है, चौथा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर्स। तो ये अगले स्ट्रक्चर में भी ये सेम होने चाहिए, एटम सेम हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, एनर्जी भी इनकी सेम होनी चाहिए। कैसे बनेगा ये दिखाते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की मूवमेंट यहाँ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लोन पेयर्स को आगे मूव करेंगे और आगे 3 बॉन्ड हो जाएंगे इस तरह से, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गया, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज हम शो करेंगे और आगे 3 बॉन्ड हो गए। अब आगे हम 2 बॉन्ड नहीं लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्योंकि यहाँ पे फिर ऑक्टेट फेल हो जाएगा। तो उसी वक्त हम जैसे ही हमने मूवमेंट फर्स्ट से आगे शुरू की, ऑक्सीजन से आगे शुरू की, उसी वक्त हमने नेक्स्ट मूवमेंट आगे भी लेनी है। तो आगे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और आगे 2 पेयर्स थे यहाँ पे 3 पेयर्स हो जाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। तो ये है हमारी फोर्थ कंडीशन। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे, बॉन्ड पेयर्स थे, देखो बॉन्ड पेयर्स 4 थे, 1, 2, 3, 4, तो 4 बॉन्ड पेयर्स थे। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 4 ही रहे, एक तरफ 3 हो गए एक तरफ 1 हो गया, तो यहाँ पे भी टोटल 4 ही है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो लोन पेयर्स कितने थे, 4 थे, 1, 2, 3, 4, तो 4 थे। और दूसरे में भी देखो जो लोन पेयर्स हैं वो 1, 2, 3, 4, तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी लोन पेयर 4 ही रहे। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, जितने बॉन्ड पेयर्स हैं जितने लोन पेयर्स हैं वो सब बराबर होने चाहिए स्ट्रक्चर्स के अंदर। सिर्फ इधर उधर मूवमेंट होगी इनकी जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स हैं। और एक और जो फोर्थ कंडीशन थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उसके पास
पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और लास्ट जो कंडीशन है वो है कि एडजेसेंट, एडजेसेंट कंडीशन में जैसे एक ये एटम है और एक ये दोनों एडजेसेंट है, इनके पास इक्वल चार्ज नहीं होना चाहिए, एक सेम चार्ज नहीं होना चाहिए, इक्वली सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए आसपास। तो ये आपको समझ आ गया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आसपास नहीं होना चाहिए। तो अब एक और स्ट्रक्चर इसके लिए बनता है, ये जो मूवमेंट है ये हमने उल्टी डायरेक्शन में शो करनी है। मीन्स अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें जो मूवमेंट है वो, जैसे हमने इस राइट साइड को यहाँ पे शो किया है तो हम लेफ्ट साइड में शो करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जब हम शो करेंगे तो पहले तो एटॉमिक पोजीशन सेम वैसे रही, फिर जब हमने मूवमेंट उल्टी साइड में, जो एक बॉन्ड होता है ना वो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एज इट इज रहता है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रेजोनेंस में। तो यहाँ पे दो पेयर्स ऑलरेडी थे, आप इसको यहाँ से बनाएंगे, ऊपर वाले से नहीं बनाएंगे, तो दो, तो यहाँ तीन हो गए पेयर्स, तो यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। दूसरी तरफ जो मूवमेंट है अब क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो अब यहाँ पे तीन बॉन्ड हो गए और यहाँ पे एक ही पेयर बचा, बाकी एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का ये बिल्कुल इसका उल्टा है, इस वाले स्ट्रक्चर। तो आप डबल हेड एरो लगाएंगे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में और रोमन में लिखेंगे इसको अंकों में, ये नंबर टू स्ट्रक्चर हो गया और ये नंबर थ्री स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से आपने जो कंडीशंस हैं उनमें क्या देखा कि जो एटॉमिक पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए, तो सब में सेम है, जहां जहां एटम लिखे थे हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सेकंड में भी वही है, थर्ड में भी वही है। दूसरी कंडीशन बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स सब में इक्वल होने चाहिए, वो भी ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एनर्जी सबकी सेम होनी चाहिए, वो भी ठीक है। चौथी कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही आ रहा है, सब जगह ऐसा नहीं होगा। और पांचवी कंडीशन क्या थी कि एडजेसेंट एटम्स के ऊपर एक जैसा चार्ज, लाइक चार्जेस नहीं होना चाहिए, आप वो देख सकते हैं पीछे वीडियो के अंदर। तो इस तरह से हमने ये तीन तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ किए। अब जो इनका मिला जुला स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वो हम बनाते हैं। फिर से हम एटॉमिक पोजीशन वही रखेंगे, सेम रहेगी और सिंगल बॉन्ड होगा, ये होता ही है कोवलेंट सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं उसको, आगे पढ़ेंगे आप। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लोन पेयर्स हैं इनको हम ऐसे शो करते हैं डॉट से, इस तरह से, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं कि दीज बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स जो पाई वाले हैं और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लास्ट वाला, इस मॉलिक्यूल में भी जब बॉन्ड लेंथ को पता किया गया एक्सपेरिमेंटली तो वो निकली 115 पिकोमीटर, किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ थी वो निकली इतनी 115 पिकोमीटर, जबकि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 110 पिकोमीटर, और जो कार्बन डबल बॉन्ड ले देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है ऊपर, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर, जबकि एक्सपेरिमेंटली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है 115 पिकोमीटर निकलती है, ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पे आएगी 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। तो ये जो बहुत सारे तीन स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जबकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस तरह से रेजोनेंस क्या होता है कि हम किसी मॉलिक्यूल के लिए मोर देन टू स्ट्रक्चर्स हम उसके लिए ड्रॉ करते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो फिर हम उन सब का एक मिक्स स्ट्रक्चर जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं वो लेते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाता है। इसी सारे घटनाक्रम को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो इस तरह से हमें पहले का पता लग गया कि रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशंस रेजोनेंस लिखती बार क्या होनी चाहिए वो भी हमने पता कर लिया। नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हुआ, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस कर देंगे एनर्जी
टाइपोलॉजी ऑफ जो मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, इन सब स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये डिफरेंस लेना है। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड केस में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऊपर ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये तीन स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से जो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसका जो एनर्जी है वो 138 किलो जूल ज्यादा स्टेबल है उससे जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये इसका रेजोनेंस एनर्जी का फंडा है। सो ये था हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। लास्ट हम लेते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट लेते हैं, ओनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज द रियल एग्जिस्टेंस, मींस जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं वो ड्रॉ करते हैं, तो वो रियल एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं हम कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, उसी की रियल एग्जिस्टेंस होती है। दूसरा पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया कि रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है मॉलिक्यूल के अंदर वो इक्वल हो जाती है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका निकलता है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फोर्थ पॉइंट लेते हैं कि जो रेजोनेंस जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी होगा। ग्रेटर द रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही डिफरेंस ज्यादा निकलेगा और रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी होगी, और उससे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो ज्यादा रहती है। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली कैसा है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली ये चीजें हम नहीं देखते हैं रेजोनेंस वाली, हम सिर्फ इमेजिन किया है इस चीज को किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही, ये जो रेजोनेंस का फिनोमिना है वो हम लेके आए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा है कि अब आपको रेजोनेंस समझ आ गया होगा। फिर भी आप और तरह के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते रहिए, पूछना क्वेश्चंस की कहीं कोई दिक्कत है तो वो फिर से रिमूव कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।